भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल होने वाले दिग्गज नेता घनश्याम तिवाड़ी ने बुधवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र को जनहितकारी जबकि बीजेपी के संकल्प पत्र को मनहितकारी बताया है। उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 5 साल तक पीएम मोदी ने मन की बात की है और उनका संकल्प पत्र भी मनहितकारी है, जबकि कांग्रेस का घोषणा पत्र जन आकांक्षाओं का मूर्त रूप है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम आय योजना से देश की 20% आबादी को राहत मिलेगी। कांग्रेस अध्यक्ष की सोच है कि देश में आर्थिक विषमताओं को दूर किया जाए, इसके लिए पार्टी के घोषणा पत्र में न्यूनतम आय योजना को शामिल किया गया है। यह योजना लागू होने से देश में इकोनॉमी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। वहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी खुद कहते हैं कि प्रतिवर्ष 60,000 करोड़ रुपए कारपोरेट जगत को अनुदान मिलेगा, तो फिर न्यूनतम आवास योजना से बीजेपी को घबराहट क्यों हो रही है। प्रेस वार्ता में तिवाड़ी ने मोदी सरकार को रोजगार, जीएसटी, महिला आरक्षण सहित कई मुद्दों पर आड़े हाथों लिया। अर्थ स्पष्ट है कि ये कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जन आकांक्षाओं का मूर्त स्वरूप है। इसमें केवल मन की बात नहीं है या बैठकर कुछ लोगों ने अपने मन से नहीं लिखे हैं, जमीन की हकीकत जानकर और जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर यह जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इस घोषणा पत्र को जारी किया गया है। ये हमारे अध्यक्ष जी की कलम से आया। अभी जो बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया, 5 साल के बारे में एक वाक्य नहीं बोला, आगे की बात की, तो जनता के मन में बात जाती है कि भाई ये घोषणा तो कर देते पर घोषणा